वालेकुम नूर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या टाइम हो रहा है? क्या है कि बन है मालूम? हाँ ऐसा ठीक है बेटा, जब पहली तारीख के दिन तुम ये तुम्हारी गरीब सूरत ले लेके मेरे पास आएंगे भाई मेरी तनख्वाह बोल के, तब मैं भी ऐसी बोलूंगा क्या है कि नहीं मालूम मुझे। अरे वैसा नहीं नूर भाई, माफी चाहता हूँ जी, आज थोड़ी देर हो गई। खैर कोई बात नहीं मियाँ, देर सवेर चलते रहती। देखो आज तुम्हारे से देर हुई, कल मेरे से देर होती तनख्वाह देने में। सुनता नहीं भाई ने। क्या बोला रे लौंडे, क्या बोला, क्या बोल रहा भाई? आपकी तारीफ कर रहा था भाई, आप कितने अच्छे हैं बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो पूरी दुनिया बोलती मियाँ। हाँ फिर नूर भाई बोलते आपको। बस बेटे बस बस बस, ये चापलूसी का शहर चढ़ाना बंद कर, अंदर जाके माल जमाना शुरू कर। चल जा रहा हूँ। अरे मियाँ जरा वो अंदर से रजिस्ट्रेशन निकाल के ले लेके आओ, किसकी कितने छुट्टियाँ चेक करना है मेरे को, काम कम छुट्टियाँ ज्यादा हो रहे लोगों के, ले लेके आओ जल्दी। देंगे 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 देंगे। अरे मियाँ काफी दिनों से कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही बच्ची की इंस्टाग्राम पे। हाँ बच्ची? कौन बच्ची भाई? अरे अपनी जैकलिन रे, वो बच्चे के चक्कर में आके परेशान हो गई रे उन्हें सल। कौन बच्चा भाई? वो सुकेश, सुकेश पूरा सुखा दिया उसको। मैं दुनिया का समझा था बच्ची को वो। हाँ वहाँ नक्को जाओ जी, अच्छी चीज नहीं है वो, गलत जगह है, नक्को जाओ। तो सुनी नहीं मेरी बात, अगर उन्हें मेरी बात सुन लेती थी तो आज तीसरी भाभी रहती थी उन्हें तुम्हारी। खैर अपन किसको भी क्या बोल सकते, अब उसकी किस्मत में अपन नहीं थे होंगे, अब उसकी मर्जी। खैर अपन क्या कर सकते। वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, आइए आइए बड़े सेठ आए मियाँ, सेठ के आज से कुछ नाश्ता पानी ले लेके आओ। बहुत बड़े साहब है, सेठ को कुर्सी दियो। बोलिए साहब क्या लेंगे आप खाने में? अरे लूर भाई कुछ भी मंगा लो खा लेंगे। अरे मियाँ अंदर से वो बड़ा झाड़ू का कट्टा और लब्बर की चप्पल ले लेके आओ। अरे क्या हुआ लूर भाई? लौंडे अरे वो रहा, क्या टाइम हो रहा है? ये टाइम है काम पे आने का? अरे नहीं लूर भाई, हॉस्पिटल को गया था इसलिए देर हो गए आने में। अरे अल्लाह अकबर, माफी चाहता हूँ मियाँ, क्या हुआ मियाँ सब खैरियत? अरे लूर भाई हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। अर्जेंट खून की जरूरत थी उसको, कोई भी नहीं दिया खून, मैं दे के आ रहा हूँ। लियो ये तो ऐसी बात हो गई, 18 टायरों की लारी खराब हुई तो साइकिल से खींच के लाए गए थे। अरे अरे मियाँ तुम्हारे जिस्म में खुद पूरा निचोड़ के निकाले तो आधी छटा खून नहीं निकलता, तू कहाँ से खून दिया रे? अरे नूर भाई अपन दिखने में खाली कमजोर है लेकिन अंदर से पत्थर है पत्थर। मेरे बच्चे मेरे को दुकान में काम करने के वास्ते इंसानों की जरूरत है, शाबाद के पत्थरों की नहीं, समझा? खामोश यहाँ से जाके जो है क्या नहीं कामा देख ले, नहीं तो ये मेरे हाथ के हथौड़े से मार के तेरा पत्थर फोड़ देता। निकल निकल लौंडे, महीना भर तो टाइम पे काम पे आते नहीं और तनख्वाह देने के टाइम पे हमारे से थोड़ी देर हो गई तो पूरे परेशानियां याद आते लोगों को। भाई हमारे अम्मी के गोलियां लाना है, हमारे बाबा की तबीयत खराब है, बहन के ससुराल वाले आए हुए हैं, लाइट का बिल बनना है, मकान का किराया देना है, क्या बोल सकते हो बिल्लों? क्या हुआ बेटे वो रजिस्टर का ला रहे नहीं बना के ला रहे, लाओ जल्दी। क्या खुशबू आ रही मियाँ, लेडीज परफ्यूम लगाया क्या? अरे हल मैं कहीं को लगाऊंगा जी लेडीज परफ्यूम, मैं क्या लेडीज हूँ, जेंट्स हूँ मैं। सही भी बैगन का मजाक नहीं करना नूर भाई मेरे साथ। मजाक करा रे, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही? अच्छा तो ये मोहतरमा कहाँ से आ रही है खुशबू? मैं वही बोल रहा हूँ, ये कचरा कुंडी कब से महकने लगी? ये पकड़ो जमाओ जमा जमा उधर। अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम अस्सलाम। आइए मैडम, सूरत खजाना महबूब नगर 20 साल पुरानी दुकान में आपका स्वागत। आइए। आइए मैडम आइए। ए बाबू कुर्सी डालो जी मैडम के आसे। कुर्सी डालो जी मैडम के आसे। आइए मैडम कुर्सी पे बैठिए। बोलिए मैडम क्या होना आपको? कितने वैरायटीज है आपके पास में? देखिए मैडम अपने पास जो है ना, मैडम अपने पास जो है ना छिल्ला छट्टी रसम सांचक शादी वलीमा जुमागी गोद भराई नाम रखाई हकीका बर्थडे हर कैटेगरी के कपड़े मिलते। मैं कैटेगरीज नहीं, आपके पास कितनी वैरायटीज है ये पूछी। मैं बात कर रहा हूँ ना मैडम, अपने पास काफी सारे वैरायटीज है, जैसे कि अपने रजवाड़ी लहंगा है, फर्सी सरारा गरारा प्लाजो सूट पैंट सूट वर्क साड़ीज पट्टू साड़ीज कश्मीरी सूट ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट बनारसी सूट जयपुरी के कॉटन सूट और भी बहुत कुछ। आप खाली बोलिए आपको क्या होना है। एक्चुअल में क्या है ना, मेरे घर पे शादी है तो मुझे ना एक फैमिली मेंबर के लिए नहीं बल्कि सारे फैमिली मेंबर्स के लिए कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टफ्स चाहिए। मैडम आप फिकर क्यों कर रहे? मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको, एक से एक कपड़े बताता हूँ आपको। अरे यारो तुम एक काम करो, ऊपर से जाके नया स्टॉक तो ला लो, जब तक मैं मैडम से बात कर लेता हूँ। जाओ यारो मैडम के पास टाइम नहीं है, सही बोल रहा ना मैडम? हाँ हाँ अभी और भी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। मेरे को मालूम है मैडम, शादी का माहौल बोले तो आखिरी टाइट होया था परसों में, मेरी मतलब मेरे बहन की शादी हुई। अरे यार अब तक यहीं बैठे हुए, तुम जाके स्टॉक लेके आ रहो। जाओ जा रहा हूँ। जाओ फिर कहाँ रख रहे मैडम शादी आपला? इधर आ। जी नूर भाई, मेरे को एक बात बोल, ये दुकान का ओनर मैं हूँ, उन्हें है। सुबह की भैरी के हिसाब से तो तुम ही छा भाई। फिर ऐसा पहन ले रहा उन्हें, मेरे को उन्हें ओनर है, मैं नौकर हूँ सर का। और फिर तुम पहले नहीं दिए बोल के तुम आपको पहन लिया उन्हें, हाथों से इज्जत खराब कर लिए तुम। थू क्या इज्जत है जी तुम्हारी? ये बात तो सही बोला भैया, मेरी कई क्या बोल रहे लौंडे। अरे मेरे को डरा के क्या फायदा है नूर भाई, मैं तो तुम्हारी इज्जत करता हूँ, डराना है तो काले भिलावे को डराओ। अब देख वो भिलावे को कैसा पिघलाना है मेरे को मालूम है, खाली देख तो। मैडम कुछ मंगाओ आपके लिए, एनीथिंग ठंडा गरम। नो नो थैंक्स इट्स ओके। नहीं फिर भी लस्सी मंगाओ। no, हाँ? लतीफ गले में से पैसे ले लेके मैडम के हाथ से स्पेशल लस्सी तो ले लेके मेरी वाली, ये पी के देखो बेहतरीन रहती। आमिर भाई हाँ? आपको डंडे खा बुला रहे। डंडे खा? कौन डंडे खा? आप अच्छी तरीके से पहचानते करते उनको, वहाँ खड़े हुए आपको बुला रहे, जल्दी आओ बोल रहे। मैडम आप जब तक कपड़े देखिए मैं इधर आप भी आ रहा हूँ। लतीफ जरा मैडम को कपड़े बता मिया। भाई कहा तो भी है डंडे खा। अबा 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 ये आवाज किसकी है? अंदर भिलावे की धुलाई चल रही। क्या ऐसा ना मैडम, सफाई चल रही। ओके औरतों की इज्जत करना बोल के क्या होता है, एक मासूम बच्ची को कुर्सी दिया तो बीच बीच में कहीं उठ रहा था। काम नहीं करा तो नहीं करा बोलते, अब करा तो कहीं को करा बोल के मार रहे, आखिर क्या करो बोल रहे तुम मेरे को? मैं बोले तक कुछ भी नहीं करना और मैं जो बोला वो करना, बिकॉज आई एम द ओनर, समझा? भिलावे जिसको देखो पहन ले रहे। बात ना बात की तुम खाली हटते रहता हो आदमी है। ये देखिए मैडम फर्शी शरारा एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। अच्छा है और कुछ बताइए। ये देखिए मैडम अपने पास का स्पेशल, पूरा आगरा भी फिर लिए तो ऐसा शेरवानी घाघरा नहीं मिलना आपको। देखिए कितने कलर्स है इसमें आपके पास? आपको जितने कलर होना बोले अल्हम्दुलिल्लाह हर कलर अपने पास अवेलेबल है, आप खाली दुकान में नजर फिरा के देखिए,
आपके पसंद का कलर मिल जाएगा। डिजाइन क्लॉथ कलर तो आपके पास बहुत अच्छे, बट मुझे ना थोड़ा बजट फ्रेंडली चाहिए, ये मुझे थोड़े महंगे लग रहे हैं। क्या बात कर रहे मैडम, दुनिया के महंगे है ये, बाहर से लिए तो, लेकिन हमारे पास एकदम वाजबी दामों में ऐसा रेट आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता। कई को बोले तो ये जो हमारी सूरत खजाना की महबूब नगर की ये दुकान, ये आजकल की नहीं होती, पिछले 20 सालों से हमारा यही कारोबार है। ये देखिए जयपुरी कॉटन वर्क सूट, ये एक सूट कितने का होगा बोला आप? ये होगा 800 का। हाँ, 800 रुपए में तो 3 सूटा मिलते हमारे पास। क्या 800 में 3? सूरत खजाना महबूब नगर, रमजान के इस मुबारक महीने के लिए स्पेशल ऑफर है, लूट लो, जहाँ पर प्राइजेस और भी कम रहते। वाओ, आपको 15,000 रुपए का रजवाड़ी लहंगा मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपए में। 5,000 रुपए में सिर्फ? 100% कॉटन और जॉर्जेट के सूटा 1,200 रुपए में दो। वाओ, 700 के दो बनारसी सूट्स, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए नायरा कट सूट्स सिर्फ 1,000 रुपए में। 1,000 रुपए में इतनी प्यारी डिजाइन? हाँ, फिर ये तो मैं पक्का लेकर जाने वाली हूँ। ये देखिए मैडम फुल स्टोन वर्क साड़ी सिर्फ 2,000 रुपए में। रियली? एग्जैक्टली। ये देखिए मैडम 350 में। वाओ, इतने प्यारे प्यारे आउटफिट, वो भी इतने कम प्राइस में, मैंने तो आज तक नहीं देखे। वो तो आपकी हरकतों से ही मालूम हो रहा। क्या मतलब? चुका रहे ना आप। अगर यही कपड़े आप दूसरी दुकान से लेने जाएंगे तो एक जोड़ा लेने के वास्ते आपको कम से कम 3 घंटे लगते। वो कैसे? आधा घंटा देख के पसंद करने के, 2.5 घंटे चुकाने के, इतने मैंने इतने में दिए बोल के। सही बोला ने मैडम। मैडम कैसे ठंडा लो जी, सिंगल है मैडम आप? एक्सक्यूज मी, व्हाट? मतलब सिंगल आया किसी के साथ है? वैसा सिंगल है क्या पूछ रहा हूँ, कोई साथ है आपके? पार्किंग में मेरे हस्बैंड कार पार्क कर रहे हैं। शादीशुदा है नु? फिर शुरू कर दिया नु, इनको भी कोई भी ठंडे खासा मिला ना। ये देखिए अनबिलेबल प्राइस है इसका। अरे मियाँ, बेटे वो बच्चा किसका खुल गया जरा देखो, मम्मी पापा का हाथ पकड़ के फिरो बोलो ना, तो यहाँ घूम जाएगा बच्चा वो। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका बच्चा है शायद? बच्चा नहीं है वो मेरा। फिर? ये मेरे हस्बैंड है। ये तो ऐसी बात हो गई, BMW को लूना का इंजन लगा है सर का। एक्सक्यूज मी, हेलो मुर्शिद, क्या बोल रहे यार? कुछ भी नहीं भाईजान, कुछ भी नहीं, बैठिए। ए भाईजान, क्या से बेबी चेयर ले लेके अंदर से ला रहा हूँ। कौन पना कर रहा है मिया? आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बोला भाईजान। कितने बार बोला हाथ में रखो जाओ बोल के? बेशक सही बात, दिमाग भी छोटा रहता लेकिन पूरे जिस्म पे हुकूमत करता। मैं आपके साथ हूँ इस बात। लेकिन आपका तो जिस्म ही छोटा दिख रहा ना पलान। क्या बोल रहा रे बिलावे? एक डिच्चा मारा ना, सॉरी चिच्चा बोल के सीधा पैरों में गिर जाना, समझा रे। उन्दे? बड़े छोटों की इज्जत करना नहीं मालूम? बड़े बुजुर्ग आदमी है वो, ऐसी बात करते उनसे? भाईजान आप बैठिए, मैं देखता हूँ। भाईजान कैसे कुर्सी डालो, इसकी जरूरत नहीं है मियां। जावा बेबी, क्या पसंद करे? मैंने ये 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 और वो वाला पसंद करी मैंने, अच्छे ना जानो? क्या मियां, अच्छा स्टॉक बता रहे ना? पूरा नया स्टॉक बताया बेबी को। क्या बेबी? हाँ बाजी को क्या बाजी? पूरा नया स्टॉक बताया नहीं बाजी को भाईजान? हाँ वही बोल रहा हूँ जी। जानो जितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है ना, उतने ही कम प्राइसेस है। मालूम है जी, चीज अच्छी रहती रेट भी कम रहते हैं इन लोग के पास। देखिए बाजी, मैं क्या बोला था आपको, भाईजान को भी मालूम है। देखो वो तो मालूम ही रहेगा ना यारो, 30 साल से दोस्ताना है तुम्हारे बॉस से। अरे मियाँ, 30 साल से हमारे बाबा के साथ दोस्ताना है कहते, मैं आज तक नहीं देखा इनको हमारे बाबा के साथ। वैसा नहीं भाई, तुम उसको बहुत बार देखे होंगे, लेकिन कौन बच्चा खेल ले रहा की बोल के तुम उतना तवज्जो नहीं दिए होंगे। अरे तुरे बोल रहा क्या रे दोस्त है, बोल रहे वाली साहब के हमारे वो चाचा,
बोलिए चाचा क्या क्या दी उसमें से? जो जो भी पसंद करे ना तुम्हारे चाची, सब दे दो मियां। चाची जो जो पसंद करे, पूरा डालो पूरा डालो पूरा डालो। आइए चीचा, चलिए चीचा बिल बना लेंगे। हाँ अब वाजी साहब के दोस्त से ही पैसे लेते। अरे क्या चीचा, 30 साल हमारे वालिद साहब के साथ रहने के बाद भी आपको ये बात नहीं मालूम, जो बात वालिद साहब हम लोगों को बचपन में सिखा दिए थे कि बेटे दोस्ताना अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह। चलिए बिल बना लेंगे। नूर भाई क्या काम करे उस्ताद तुम, चिचा को भी नहीं छोड़े। हाँ फिर क्या समझ रहा, नूर भाई बोलते मेरे को, जासुई नहीं घुसती वहां सब्बल घुसाता मैं। ये तो है भाई, लेकिन और एक बात है मियां। क्या भाई? चिचा जरा ज्यादा छोटे नहीं हो गए? हाँ भाई वो तो है। खैर अपने को क्या करना, चच्ची का प्रॉब्लम है। मालिश कर मालिश कर, दबा दबा। अस्सलाम वालेकुम मियां, कैसे खैरियत से? ये तो था हमारा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ और भी दबा के शेयर करिए। और उससे जरूरी बात, महबूब नगर सूरत खजाना जो के 20 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं हमारे मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि चंद अल्फाज हमारे चाहने वालों के लिए नईम साहब कहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नईम फाउंडर ऑफ सूरत खजाना। इंशाल्लाह आपसे वायदा करता हूं कि 365 दिन में 365 ऑफर आपको मिलती रहेंगी। जैसे खिदमत अंजाम 20 साल से दे रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी आपकी यूं ही खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, 365 दिन 365 ऑफर। तो आइए महबूब नगर सूरत खजाना न्यू टाउन। अस्सलाम वालेकुम।